बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चने की बिरयानी। ये मेरे पास 1 kg चने हैं जो मैंने बॉईल करके रखे हैं, और ये 6 अदरक टमाटर थे, लहसुन अदरक 4 टेबल स्पून, और इनको मैंने बारीक पीस लिया है। ये 1.5 पाव दही है मेरे पास, 2 पैकेट बिरयानी मसाला, और इसमें काफ़ी सारे मैंने आलू बुखारे भी लिए हैं, और ये तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज है जो मैंने थोड़ी सी इस तरह से करके फ्राई की है, ज़्यादा यानी कि कलर नहीं किया है डार्क इसका। अब ये प्याज और दही है जो, ये भी मैं पीस के इसका मसाला बनाऊंगी। दही और प्याज को भी मैंने पीस लिया, ये पूरा बैटर इसमें डाल दिया है। अब इसका हम बनाएंगे मसाला। तकरीबन 3 किलो मेरे पास चावल हैं जो मैंने भिगो के रखे हैं, बॉईल करूंगी अभी, और 2 कप इसमें मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। ये मसाला मैंने डाल दिया है इसमें, इसको थोड़ा सा भूनूँगी, फिर वो जो मसाला है दूसरा बिरयानी मसाला और आलू बुखारे वो डाल दूँगी इसमें। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनेगी, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बिरयानी मसाला भी इसमें डाल दिया मैंने, 2 पैकेट मैंने बिरयानी मसाले लिए, कोई सा भी ले लें, हम लोग तो वैसे शान का यूज़ करते हैं, बस इसकी अब भुनाई करेंगे। चने मैंने इसमें डाल दिए, मसाला अच्छे से भुन चुका था, अब इसको हम भुनेंगे। इसका कोरमा रेडी हो जाएगा तो फिर तेल लगाएंगे। चावल भी बॉईल करने के लिए रख रहे हैं, अब मैं तेल लगाऊंगी। चावल हमारे पास जो बॉईल हैं वो डाल दी मैं इसमें पहले। अब इसमें डाल 3 किलो चावल और 1 किलो चने वाइट वाले ना, इसका हमने कोरमा बनाया था। थोड़ा सा पुदीना और फूड कलर डालेंगे। सारी तेल ऐसे ही लगा लेंगे। ये देखिए हमने तेल लगा दिया, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। चने की बिरयानी हो चुकी है रेडी, फिर एक और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।